जिला कांग्रेस कमेटी हरदा के नेतृत्व में जिला प्रभारी अजय ओझा की मुख्य उपस्थिति में जिले में बैठक आयोजित कर सेक्टर मंडलम का सत्यापन और आगामी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर विस्तार से चर्चा कर पहली बैठक की गई। जिले की टिमरनी विधानसभा के ग्राम टेमा गांव एवं हरदा में रखी गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम पटेल ने समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से उक्त बैठक में उपस्थित होने की अपील की है। अजय ओझा प्रभारी हरदा कांग्रेस के समस्त ब्लॉक अध्यक्षों से अपेक्षा की, देखिए बीजेपी ने क्या किया, एक बड़े परिवार को एक वार्ड में होकर उसे चार वार्डों में दर्ज करवा दिया, क्योंकि मतदान के प्रतिशत को लेकर राजनीतिक लोगों को जानना चाहिए कितने प्रतिशत मतों से कौन जीता कौन हारा। जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उन्हें वोटर लिस्ट में लाया, कांग्रेस उनकी सहायता करे, यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस ने ठाना है एक घर जाना है, बीजेपी की विफलता गिनाना है। आज राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस जनों को ही सक्रिय करने हेतु भारत जोड़ो में लगे हैं। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरा तो सीधा सीधा आरोप है मंत्री जी को, और ये बात हमको करना पड़ेगी। आप बताइए कथा हुई, कथा में उन्होंने खुद की फोटो लगाई, खुद कथा करा रहे, हम कथा करा रहे, हम कथा करा रहे, सब जगह खूब विज्ञापन भी किया, पर उसमें देखे तो सरकारी मशीनरी पूरी लगी हुई थी और मशीनरी के साथ साथ सामूहिक शादी कर ली, उसके फंड से कथा कर ली। सामूहिक शादी करने के लिए जो फंड मिलता सरकार से वो जी, आज मंडलम सेक्टर की बैठक थी, क्या प्रमुख मुद्दा रखा है जो मंडलम और सेक्टर है का कंसेप्ट? वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे अध्यक्ष हैं मंडलम के, हमारे सेक्टर के कमलनाथ जी का सोच है छिंदवाड़ा ज़िले में मंडलम सेक्टर की मदद से ही सरपंच से लेकर एमएलए तक और मेयर तक के इलेक्शन कमलनाथ जी ने जितवाया, उसी को आधार बना के उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में मंडलम सेक्टर की महत्ता को समझते हुए उसको उसके लिए कार्य योजना तैयार की है कि मंडलम सेक्टर को किस तरीके से काम करना है। और आगे जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक हमारा अधिवेशन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, एक वो है, और दूसरा हाथ से हाथ जोड़ो एक अभियान 26 जनवरी से चालू हो रहा है, तो उस अभियान को चलाने के लिए मंडलम सेक्टर की कार्य योजना तैयार करने के लिए आज ये मीटिंग काउंट की। आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? आगामी चुनाव को लेकर ये जो हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण है, राहुल जी ने जो अभी यात्रा कर रहे हैं राहुल जी, उसका अगला चरण है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। हम इसमें ब्लॉक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, बूथ स्तर पे हमारे ये मंडलम और सेक्टर के और BLA और बूथ प्रभारी ये सारे जाएंगे और बीजेपी की इन 18 सालों की विफलता को उनको बताएंगे। महंगाई पे चर्चा होगी, बेरोजगारी पे चर्चा होगी, मूलभूत सुविधाओं पे चर्चा होगी, ये सारी बातें हम जनता के सामने रखेंगे और उनसे इस बात को लेकर विचार विमर्श करेंगे। अभी आपके द्वारा एक बात रखी गई थी फर्जी मतदाताओं की सूची में नाम जोड़े गए हैं, तो आपने ऐसे काउंटिंग ऐसा वर्षों से बीजेपी करते आ रही है। मतदाता सूचियों में ये जो चुनाव जीते जा रहे हैं 18 से 20 साल की उम्र के लोगों की जगह 10-12 साल के उम्र के लोगों के भी नाम पिछली मतदाता सूचियों में डाले गए थे, उसका हम लोगों ने जब बारीकी से अध्ययन किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, तो बहुत सारे बिंदु सामने आए। जो बड़े परिवार हैं हमारे कांग्रेस के परिवार, उनको जैसे किसी वार्ड में वो एक जगह रहते हैं, तो उस वार्ड में उनको चार परिवार के लोगों को छोड़ के बाकी चार को दूसरे वार्डों में, फिर दूसरे चार को दूसरे वार्डों में, ऐसे अलग अलग, जिससे वो मतदान करने जा ना पाए, ऐसी बहुत सारी जगह इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने की है कि हमारा मतदाता मतदान स्थल पर पहुंच ही नहीं पाए। उसके लिए भी हम ये मतदाता सूचियों का जो है पुनरीक्षण उसमें हम देख रहे हैं, हमारे BLA जाएंगे, वो जाँच करेंगे कहाँ कहाँ डबल नाम है, किन किन लोगों में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।